हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज के नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताने वाला हूँ। बदलाव नहीं से कह सकते हैं, असल में हो क्या रहा है कि बहुत से लोग जो हमारे पर कमेंट्स में भी बहुत से लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है कि जिस आईडी पे मैंने जो पहले टिकट बनाता था लॉकडाउन से पहले, जैसे कि अभी आपको पता है अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन समाप्ति पर ही है क्योंकि ये सब नहीं आ रहा ज़्यादा, तो इस टाइम में जो है लोग अपने अपना जो है ट्रेन से टिकट बुक कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, जैसे काम करने के लिए अगर वो अपने गांव से किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं या फिर कहीं भी उनको ट्रैवल करना हो, कहीं घूमने के लिए जाना हो, तो ट्रेन टिकट अगर बुक कर रहे हैं तो उनके आईडी से टिकट बुक हो नहीं पा रहा है। आखिर वो क्यों नहीं हो रहा टिकट बुक, इसकी वजह से लोग जो बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे जितने भी जानने वाले फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आज मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताऊँगा आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, जो आपके आईडी जो है ये रेलवे ने ब्लॉक कर दिया है या क्या किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या करें आप ताकि आपकी आईडी एक्टिव हो जाए और फिर से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है, अगर एक वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, ऐसा था जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे लॉकडाउन चल रहा था पहले, तो लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत से लोग जो है करीब 6 महीने साल भर के लिए जो है अपने घर से बाहर नहीं निकले, कई लोग जो है काम पर नहीं गए कहीं पर, तो अपने घर में थे, इस वजह से जो है जो उनका पर्सनल जो आईडी था अपना, जो यूज़र आईडी पासवर्ड था जिससे वो टिकट बनाया करते थे, तो उसको जो है रेलवे ने जो है बंद कर दिया था क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, साल भर 1.5 साल से जो है इतने दिनों से लोग जो अपनी आईडी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो रेलवे ने उस आईडी को ब्लॉक कर दिया है। अब जैसा कि आपको पता है कि सारी ट्रेन जो अपने अपने रूट पर चलने लग गई है, पूरी तरह से ट्रेन खुल चुका है, अब जिन्हें जहाँ जाना है काम के लिए या फिर घूमने के लिए वो जा सकते हैं, तो वो जब भी आप अपना आईडी को जो ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो एक छोटा सा काम आपको करना है, जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में आप लॉगिंग करेंगे, लॉगिंग करने के बाद आप जाके माई अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद, पहले आप सबसे पहले आपको करना कि अपना अकाउंट लॉगिंग करना है, ICTC यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करने के बाद डायल करना है। जैसे डालेंगे आपको वहाँ पे एक दो ऑप्शन आ रहा होगा, दो चेक बॉक्स आ रहा होगा। पहला चेक बॉक्स में आपसे वो मोबाइल नंबर मांगेगा, जो मोबाइल नंबर आपने पहले दे रखा था उसको वेरीफिकेशन करने के लिए। तो जो मोबाइल नंबर आपने पहले डाल रखा था, अगर वो मोबाइल नंबर आपका खो गया या बंद हो गया या वो नंबर है, तो बस वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, वहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करते ही आप वहाँ पे वेरिफिकेशन आपके नंबर पे जाएगा, एक OTP, वो OTP आपको वहाँ डाल देना है। OTP डालते ही आपको वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जो नीचे जो दूसरा बॉक्स आता है, वहाँ पे जो आपने पहले मेल आईडी आपने डाला होगा अपना, वो मेल आईडी पे आपको जो है एडिट करना है। अगर आपका मेल आईडी वो वाला एक्टिव है, अभी चला रहे हैं आप, तो उस पर सिर्फ आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, वो आपके मेल आईडी पे OTP जाएगा, वो OTP आपको डाल देना है, ये आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। फिर आप अपने आईडी से अपना टिकट बना करके जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं काम पे जाना हो या कहीं फैमिली के साथ आपको छुट्टी पे जाना है, क्योंकि पहले पिछले 1.5-2 साल से लोग जो है कोरोना काल में कहीं घूमने नहीं गए, इस चक्कर में जो लोग घूमने भी जाते हैं अभी, तो आप इस तरह से आप अपना आईडी को एक्टिव दोबारा कर सकते हैं। आईडी एक्टिव करने के बाद अपना टिकट आप अपने पर्सनल यूज़र आईडी पे आसानी से बना सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो छोटी सी जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो आपको, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।